What's going on, guys? This is Sahil, and in today's tutorial we are going to discuss the poem Facing the Music by Meena Kandasamy. To move ahead, agar aapne hamare channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai to sabse pehle hamare channel ko subscribe kar lijiye aur side mein dekh rahe notification ke bell icon ko bhi press kar lijiye taaki jab bhi hum video upload kare uska notification sabse pehle aapke mobile pe flash kare. तो फ्रेंड्स, आज जो हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, मीना कंडास्वामी की लिखी गई है, फेसिंग द म्यूज़िक. ठीक है, इनकी जो बर्थ है 1984 में हुई थी. ये एक इंडियन पोइट हैं और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं. ठीक है, इन्होंने जो है फिक्शंस भी लिखी हैं और राइटर हैं, एज ट्रांसलेटर भी काम किया है. और जो मेजर जिन रोल प्ले कर रही हैं वो एज एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट का जो है काम कर रही हैं. यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको इनके बहुत से इंटरव्यू जो हैं इनके मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं. ठीक है, इन्होंने जो है जो अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है, या जो कॉस्ट प्रॉब्लम है, इंटर कॉस्ट मैरिजेज वगैरह, या जो फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंसेस होती हैं, उनके रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी कुछ जो है बोला है. ठीक है, उनकी बात की है. रिसेंटली जो है इनकी बुक एक पब्लिश हुई है, वेन आई हेट यू, जिसके अंदर जो है एक प्रोफेसर और एक फीमेल की शादी हो जाती है, फिर उनकी कैसी रिलेशंस रहती हैं उसको डिस्कस किया गया है. अगर आपने अभी तक पढ़ी नहीं है तो उसको भी पढ़ लीजिए. ठीक है, क्योंकि बुक्स पढ़ना तो अच्छी बात होती है ओवरऑल. और इन्होंने जो है दो कलेक्शंस पोइम्स की भी पब्लिश हुई हैं, एक टच जो 2006 में पब्लिश हुई थी और मिस मिलिटेंसी जो 2010 में पब्लिश हुई थी. ठीक है गाइज, जो हम किसी भी पोइट की जब भी हम उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा जो है ओवर व्यू मिल जाता है कि उस पोइम के अंदर क्या होगा, उसने कैसी जो है उसने अपना लिटरेचर जो है पोइम्स वगैरह जो फिक्शंस वगैरह हैं वो कैसी लिखी होंगी, किस मोटिव से लिखी होंगी. ठीक है, तो ये जो इस वक्त हमारी पोइम है ठीक है, फेसिंग द म्यूज़िक, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि ये क्या पोएम है, फिर लाइन बाय लाइन इसको हम स्टडी करते हैं. देखिए, इस पोएम के अंदर ऑलरेडी मैंने कहा कि जो मीना कंडास्वामी है, इन्होंने जो ज़्यादा काम किया है वो फेमिनिज्म के ऊपर ज़्यादा काम किया है. दैट मीन्स जो फीमेल्स हैं उनको इक्वलिटी का स्टेटस दिया जाए. हालांकि हमारा ला जो है इंडिया के अंदर वो ऐसा फ्रेम करता है, एडल्ट सफरेज भी है और कागज़ों में हमने बड़ी बड़ी बातें जो हैं इसके ख़िलाफ़ लिख दी हैं कि फीमेल्स को इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी है, ये है, वो है, सब है. इनको इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सोशल इक्वलिटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, हम इसकी बात करते हैं. बट इन रियलिटी के क्या होता है ग्राउंड लेवल पे, क्या लोगों को, क्या फीमेल्स को ये जो इनकी इक्वलिटी का स्टेटस है क्या वो मिलता है? नहीं. हम खुद इस चीज़ के विटनेस हैं, हम देखते हैं सोसाइटी में ऐसा नहीं होता. हालांकि जो है अल्लाह कहता है, कानून कहता है, हम खुद भी बातें करते हैं, बट इंडियन सोसाइटी के अंदर अभी जो है अभी तक फीमेल्स को इक्वलिटी का स्टेटस नहीं दिया जाता एज़ कम्पेयर टू मेल. आप अपने घर की एग्जांपल ले लीजिए, मेल चाइल्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, क्रिश्चियन सोसाइटी है, जो भी जैन्स की है, बुद्धिस्ट की है, जो भी रहने वाले हैं इंडिया के अंदर, वो इक्वलिटी का स्टेटस जो है फीमेल्स को किसी हद तक नहीं दे रहे. ठीक है, रियलिटी यही है. तो इस पोएम के अंदर ये जो राइट पोइटस हैं ये इसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, मीना कंडास्वामी जो हैं. अच्छा, मुझे याद आया, मीना कुमारी एक्ट्रेस भी है, ये वो एक्ट्रेस नहीं है. हालांकि इन्होंने भी कुछ एक्टिंग की है, बट मीना कुमारी अलग है, ये मीना कंडास्वामी अलग है. ठीक है, तो इस पोएम के अंदर वो डिस्कस कर रही हैं कि जो हमारे यहाँ जो वायलेंस होता है, तो ग्राउंड लेवल पे जो उसकी जो है जो इक्वलिटी का स्टेटस मिलना चाहिए जो फीमेल को, वो नहीं मिलता है. ठीक है, तो इसमें जो है ये इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं एक स्टोरी से. ठीक है, इसमें हमें बता रही हैं कि एक फीमेल है, उसका जो पति है उसका मर्डर हो गया है, उसको लिंच किया गया है, उसको मारा गया है. ठीक है, अब ये जो फीमेल है जिसके पति को मारा गया है, ये
इस बात को हाईलाइट नहीं कर रही है, ये लॉ के लिए नहीं जा रही है, ये पुलिस स्टेशन वगैरह में नहीं जा रही है, आपने इसको इस प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं कर रही है। और इसके अंदर इतनी जो है ताकत भी नहीं है कि जिन लोगों ने इसको मारा है, इसके पति को, उसके ख़िलाफ़ ये बोल सके या कहीं पे भी जाके बात कर सके। ये जो बात है इसको अंदर ही अंदर से, उस फीमेल को अंदर ही अंदर से खाई जा रही है कि इसके पति के साथ ऐसा जुल्म जो है, इसके पति का मर्डर किया गया है। वो अंदर ही अंदर से इसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल, इसकी दुनिया जो है अब सिमट गई है, वो अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। अपनी इस परेशानी को कहीं से इंसाफ, कहीं से जस्टिस इसको मिल नहीं रहा है और ना ही ये उसके लिए जा रही है। तो इसी चीज़ को जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर हाईलाइट करती हैं। ये सिर्फ इस मर्डर की बात नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ये रियल मर्डर है या फिर इस तरह जो है ये हाईलाइट कर रही हैं, बट एक्चुअल में क्या है, जब भी किसी भी डोमेस्टिक के अंदर कहीं पे भी अगर फीमेल्स के साथ आप देखेंगे जब अनइक्वालिटी होती है, तो क्या फीमेल्स कहीं पे जाती हैं उसको हाईलाइट करती हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करती हैं, वो हमेशा सप्रेशन में ही रहती हैं और उस चीज़ को बर्दाश्त ही करती रहती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पुलिस स्टेशन में जाएगी, अगर कोई वाइफ जाएगी पुलिस स्टेशन में कि मुझे पति मारता है, तो ऑब्वियसली उसका पति क्या करेगा, वहाँ से पुलिस वालों को 100 रुपये देगा, 500 रुपये देगा, तो अपनी बीवी को ले आएगा, फिर उसकी फिर वही याद, अगर फिर वो दूसरे दिन जाती है तो उसको और पिटाई, घर से भी वहाँ से भी। तो मतलब ये कल्चर बन गया, अब फीमेल क्या करेगी, बार बार मत जा सकती है पुलिस स्टेशन में, वो उसको अब एब्जॉर्ब ही करती है, उस सब चीज़ों को बर्दाश्त ही करती है खुद ही। तो इसी चीज़ को जो है ये हाईलाइट कर रही है, ठीक है, पॉइंट्स जो हैं इसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं। तो चलिए हम इसको लाइन बाई लाइन जो है अब रीड करते हैं। Your lover was lynched for one of those readily available reasons. ये पोइटस इससे बात कर रही है, इस फीमेल से बात कर रही है जिसका लवर, जिसका पति जो है उसका मर्डर किया गया है, लिंचड किया गया है। लिंचड क्या होता है आज के दिनों में, पिछले इन दिनों में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होता है, मतलब कि 5-6 आदमी कहीं पे इकट्ठा हुए, तो कोई भी मिला के भाई ये बंदा बच्चे उठा रहा है, पकड़ते थे उसको मार देते थे। या फिर जो माइनॉरिटीज़ की हैं, जिस तरह मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स की जो है मॉब लिंचिंग की गई, ठीक है, हमें देखने को मिला पिछले दिनों। तो लिंचिंग होता है मार देना, मर्डर करना। योर लवर वॉज लिंच्ड फॉर वन ऑफ दोज रेडली अवेलेबल रीजन्स। तो इससे बात कर रही है, इस फीमेल से पोइटिस बात कर रही है कि तुम्हारा जो लवर है उसका मर्डर किया गया, उसको मारा गया किसी वजह से, ठीक है। टू वीक फॉर सुसाइड टू म्यूट फॉर मर्डर यू लाइफ। अब इससे बात कर रही है कि तू इतनी कमज़ोर है, तू इतनी कमज़ोर है कि जब तुम्हारे लवर को मारा गया, उसका मर्डर किया गया, अब तू इतनी कमज़ोर है कि तू सुसाइड भी नहीं कर सकती, मतलब तू अपना सुसाइड नहीं कर सकती कि तेरा जो मर्डर है, तेरा जो पति है वो मारा जा चुका है, ठीक है, तो तू खुद जो है वो सुसाइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक रीज़न तो ये है इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर हमें जो है होता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ये कहना है कि आप जो है किसी की जान नहीं ले सकते, मतलब जुडिशरी को इस तरह से भी इंटरप्रेट करती है कि आप अपनी जान भी नहीं ले सकते, मगर अगर आप सुसाइड कभी करते हैं, अगर आप बच जाएंगे, तो आपने देखा है कि आपको जो है जेल में डाल देते हैं। मतलब इंडिया के अंदर लॉ है कि आप अपनी जान भी नहीं ले सकते। अपनी जान क्या, अगर कोई बंदा अभी दुनिया में आया भी नहीं है तो उसकी भी जान नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा किसी को प्रेगनेंसी में 20-22 वीक्स अगर हो जाएं, ठीक है, फिर आप उसकी MTP नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसकी एबॉर्शन तब नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का जो लॉ है अब इसको क्या मानता है, इसको जो इंडिया का लॉ है इसको क्रिमिनल जो है मानता है, क्योंकि ये हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से आता है, ठीक है, इसलिए आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। टू वीक फॉर सुसाइड, अब उसे कह रही है कि तुम्हारे पति का मर्डर किया गया है, आप सुसाइड भी नहीं कर सकती। टू म्यूट फॉर मर्डर,
आप इतनी खामोश हो कि आप जो है उस उनका मर्डर भी नहीं कर सकती। जिस बंदे ने जो है आपके पति को मार दिया, जिन लोगों ने मार दिया तुम्हारे पति को, आप उनका ना मर्डर कर सकते हो ना खुद मार सकते हो। खुद भी सुसाइड नहीं कर सकती ना उनको भी मार सकती। उनको तो कैसे मारेगी, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इसके पति का मर्डर कर सकते हैं तो ये कैसे उनका मर्डर कर सकेगी। एक तो ये पोटेंशली वीक है, ठीक है, और ख़ुद सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि एक तो इंडिया का जो लॉ है इसको जो है क्रिमिनलाइज करार देता है, क्रिमिनल एक्ट करार देता है, और दूसरी वजह यह है कि सुसाइड करना भी कोई आसान बात तो होती नहीं, ठीक है। आम लोग थोड़ा ना सुसाइड कर पाते। पोस्ट ट्रॉमेटिकली पोइटिकली यू लाइव एज इफ ही हैज़ नेवर डाइड। अब इसे कह रही है, इस फीमेल से पोइटिस कह रही है कि इस शॉक के बाद पोस्ट ट्रोमेटिकली होता है जब कोई गहरा जख्म हो ना, जिस तरह किसी को ब्रेन में कोई गहरा सा शॉक लग जाए, जिस तरह ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई हो जाता है, तो गहरा सा जब स्ट्रेस इस शॉक के बाद, शॉक इसको क्या है, जब तुम्हारे पति मारा गया तुम उसके बाद भी जी गई, उस शॉक के बाद भी जी गई। पोइटिकली, पोइटिकली का मतलब है कि शायराना अंदाज में, मतलब पोइट एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो काफ़ी सैड होती है, उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होता है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करके जी रहे होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ट्रोमेटिकली पोइटिकली जूलियो एज ही हैज़ नेवर डाइड, तुम ऐसे जी गई जैसे कि तुम्हारा पति का कभी मर्डर ही हुआ नहीं है, ठीक है। किससे बात कर रही है, उस फीमेल से बात कर रही है, मीना कंडासामी, जिस फीमेल का पति का जो है मर्डर हुआ है। लेट्स मूव अहेड। शेल शॉक्ड स्पेल बाउंड यू आर थर्ड आई क्लैम्प्ड शट टू कीप द नाइटमेयर अवे, यू आर ब्लड टीयर्स द सॉल्ट ऑफ विद हेल्ड टीयर्स। इसमें वर्ड है शेल शॉक्ड। देखिए शेल शॉक्ड क्या होता है, एक समय एक सिचुएशन इमेजिन करिए। फॉर एग्जांपल, एक जो है जहाँ पे जंग चल रही है, ठीक है, और रात का टाइम है, रात के 12-1 बजे का टाइम है, ठीक। आप कहीं पे फाइट कर रहे हैं और आपको जो है दुश्मन के घेरे में आ गए हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी। ऑब्वियसली आप उस वक्त कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा अब क्या करना है मुझे, ठीक। आपको ट्रेमर होगा, आपको शॉक लगेगा, शिवरिंग करोगे आप, यार अब कैसे जाएं, अब तो कुछ सेकंड्स में मरने वाले हैं, और मतलब आपको अजीब अजीब से ख्याल तब आने शुरू हो जाएंगे, और बिल्कुल फटीग आपको जो है महसूस होगा, मतलब कि आपको कुछ सुध बुध नहीं रहेगी कि आप मुझे करना क्या है। तो शेल शॉक्ड जो वर्ड है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है सोल्जर्स ने यूज़ किया है, ठीक है, तो शेल शॉक्ड का मतलब होता है वैसी सिचुएशन हो जाना। स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है किसी एक ही चीज़ को सोचना, ठीक है। शेल शॉक्ड इसे क्यों बोल रहा है, शेल शॉक्ड उसके बारे में बात कर रही है, इस फीमेल के बारे में जिसके पति का जो है लिंच किया गया, इसको मारा गया है, इस शेल शॉक्ड वाली सिचुएशन में है। और स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड में का मीनिंग होती है कोई एक ही चीज़ सोचते रहना, कोई दूसरी चीज़ ना सोचना। फॉर एग्जांपल, जब हम पेपर लिखते हैं, एक कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं क्या हम किसी दूसरी तरफ सोच रहे होते हैं? नहीं, पूरा हमारा माइंड जो होता है एट दैट टाइम एक ही सिचुएशन में होता है। इसी तरह जब किसी को टेंशन होती है, कोई मुसीबत में होता है, किसी का कोई जो होता है जो लवर होता है, जिस तरह कोई अगर माँ होगी उसका बच्चा बीमार होगा, या कोई पति होगी पत्नी होगी उसका पति बीमार होगा, तो किस तरह सिचुएशन में रहेगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो सोचती रहती है तब कि ये कैसे ओवरकम करेगा, हम इससे बाहर कैसे आएंगे। जब पेपर लिखते वक्त आदमी सोचता रहता है कि इस सवाल को कैसे करना है, कैसे करना है, अब इसमें और क्या लिखना, और क्या लिखना, हाँ इतना करी, इतना किया, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज़ बंदा सोचता रहे, कोई दूसरी चीज़ ना सोचे, उसको बोलते हैं हम स्पेल बाउंड। यू आर थर्ड आई क्लैम्प्ड शट टू कीप द नाइट मेयर अवे, यू आर ब्लड बियर्स द सॉल्ट ऑफ विद हेल्ड टीयर्स। थर्ड आई, थर्ड आई का मतलब होता है कि अमेजन करना, थर्ड आई का मतलब होता है जो हम एक तो हमें आंखों से देखते हैं, और दूसरा होता है अमेजन करना। अमेजन करना मतलब अपने फ्यूचर को अमेजन कर लेना, या कुछ ऐसी ऐसी बातें सोच लेना। तो इससे बात कर रही है पोइटिस, इससे बात कर रही है इस फीमेल से कि तुम इस वक्त शेल शॉक्ड हो, मतलब बिल्कुल ट्रेमर में हो,
और स्पेल बाउंड पे हो। स्पेल बाउंड दैट मींस अपने पति का जो है उसके प्रति तुम्हें कितना लाव था या तुम्हारे रिलेशंस कैसे थे, तुम उसी बारे में सोच रही हो, उसका जो मर्डर हुआ है उसी के दुख में हो, और तुम्हारी जो तीसरी आंख है उसको तूने बंद करके रखा है। किसे बंद करके रखा है? नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स क्या है? इनकी नाइटमेयर इस वक्त ये है कि जब उसके पति का मर्डर हुआ, तो उसके पति का मर्डर कैसे हुआ, ठीक है, दैट मीन्स अब ये जो फीमेल है, इसके पति का जब मर्डर किया गया, ये उसको रिकॉल मतलब पॉइंटिस के अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहती, दैट मीन्स ये किसी को बता नहीं रही है, ठीक है, उस चीज़ से बाहर नहीं आ, उसी के अंदर खुद ही जल रही है मगर किसी को बता नहीं रही है। यू आर ब्लड बेयर्स द साल्ट ऑफ विद हेल्ड टीयर्स। पॉइटिस इसे कहती है कि तुम रो भी नहीं रही हो, कि तुम रोई भी नहीं हो, जब तुम्हारे पति का मर्डर हुआ तो तुम रो भी नहीं रही हो, तुम्हारे अंदर जो उसका रोग है वो तुम्हारे अंदर ही अंदर से तुम्हें खाया जा रहा है, तुम रोई भी नहीं रही हो। तुम्हारे जो आंसू हैं, आंसू कैसे होते हैं, ऑब्वियसली कभी टेस्ट करके देखना, साल्टी टाइप के होते हैं, ठीक है, साल्टी होते हैं, वो जो साल्टी आंसू हैं वो जो बाहर आने थे वो तुम्हारे ब्लड में फ्लॉट कर रहे हैं, दैट मीन तुम रोई नहीं हो जब तुम्हारे पति का मर्डर हुआ है। नेवर डू यू मेंशन दैट यू आर मैन सो अलाइव इवन व्हेन बीइंग सैटेलाइट। अब पोइटिस इसे कहती है कि तुमने कभी तो ऐसा मेंशन भी नहीं किया कि तुम्हारा पति कभी था भी, तूने तो इतना भी कभी नहीं बोला कि तुम्हारा पति कभी था भी, तुम उस बात को बिल्कुल पी गई हो, ठीक है, बिल्कुल खामोश हो गई हो। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअली ऐसलिए होता है क्योंकि अगर मुझे पता है मेरे साथ कोई जुल्म होगा, मुझे पता है इसका कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं, मैं किसी को बनूंगा, ठीक है, सपोज़ करते हैं मेरी वाइफ है, मैं उसको मारता हूँ, ठीक, अब मैं उसको कहीं बोलने भी नहीं देता, तो क्या वो किसी को बोलेगी? नहीं बोलेगी, उसको पता है मैं किसी को बोलूँगी कल फिर मारेगा, परसों फिर मारेगा। अब तो कंडीशन ही वैसी बनेगी ना, जब उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा तो वो खुद ही इसको बर्दाश्त करना सीख जाएगी, खुद ही सीखना सीख जाएगी। और मैक्सिमम ऑल अराउंड द इंडिया हमारी फैमिलीज के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है। इवन व्हेन बीइंग सैटेलाइट वाज हम्बल्ड इनटू हैंडफुल ऑफ ऐश एंड डिफेंट बूंस। मतलब अब इसे कह दिया कि तुम इतनी सख्त किस्म की औरत हो, दैट मीन्स एक्चुअल में सख्त इसको नहीं कहना चाहती, मतलब इतनी सप्रेस की हुई आप औरत हो कि जिस वक्त उसके ऐश थे, मतलब जब उसकी पायर को जलाया गया, इसके पति की पायर को जलाया गया, उसमें से जो राख निकली, फिर उसको पानी में बहाते हैं ना, जब वो राख नीचे जा रही थी, पानी में डाल रही थी, तब भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, तब भी तूने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं शो किया कि तुम्हें जो है अपने पति से बहुत ज़्यादा लाव था, अब तुम्हें उसके लिए जस्टिस चाहिए, उसके किलर्स को किल किया जाए या उसको प्रिजन में भेजा जाए, आपको इंसाफ दिया जाए, आप उसके खिलाफ नहीं बोल रही हैं। यू टर्न डीप टू फेस दिस फॉल्टी म्यूजिक। अब तुम जो हो बिल्कुल खामोश पड़ गई हो, मतलब ऐसा तुम फील कर रहे हो जैसा मतलब तुम्हें तो कोई समझ ही नहीं, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दे रही हो। इससे पता चलता है कि ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा गहरी मुसीबत में है, इसको जो शौक है, जो पोस्ट ट्रोमेटिक शौक है इसको अपने उस पति के मर्डर का, वो उसके गहरे शौक में है, बिल्कुल मतलब डीप सी हो गई है, ठीक है, मुसीबत में उसी में ये इंडल्ज रहती है। यू सेक्रीफाइस ऑल स्लीप टू लेव दिस फ्रेजल ड्रीम। कहता है कि तुम्हारी जो नींदें हैं वो नींदें अब बिल्कुल उड़ गई हैं, ठीक है, दैट मीन्स अब इस फीमेल के जो पति है उसका मर्डर हुआ है, तो उसकी नींदें जो हैं, फीमेल की नींदें बिल्कुल उसको कभी नींद नहीं आएगी, ठीक है। ओबियसली जब पहले तो ऐसा सिस्टम था कि मोस्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपका पति मर जाता है, पहले तो सती सिस्टम होता था कि आपको भी पायर के अंदर जलना पड़ता था, ठीक है, लेकिन बाद में जो हैं कुछ रिफॉर्मर आए, उन्होंने इस चीज़ को रोका। अब क्या होता है, फिर उसके बाद ऐसा कुछ कल्चर्स अभी भी किसी कम्युनिटी इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, अगर उसका पति मर जाता है तो वो जो विडो औरत होती है फिर वो किसी से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। यू सेक्रीफाइस ऑल स्लीप टू लिव दिस फ्रेजाइल ड्रीम।
वो ड्रीम जो तूने अपने पति के साथ रचाई थी, मतलब जो सपने थे तुम्हें अपने पति के साथ कि हम इकट्ठे जिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो ख्वाब जो हैं अभी तुम्हें जीने नहीं दे रही। वो टूटे हुए जो ख्वाब हैं जो अब पूरे नहीं हो सकते कभी, ठीक है, वो तुम्हें सोने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब कोई बंदा इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होगा तो वो कैसे सोएगा रात को, उसको तो रात भर जागना ही होता है, वो सोचते ही रहता है यार क्या सोचा था मैंने, हम वहाँ जाते, वहाँ घूमने जाते, दिल्ली जाते, वहाँ जाते मतलब लंदन जाते, यूके जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, कहीं कहीं जाते। बट जब इसके पति का मर्डर हो गया तो अब इसकी वो वाली ड्रीम्स तो फुलफिल नहीं हो सकती ना, तो अब वही अनफुलफिल ड्रीम्स जो इसकी फ्रिजाइल ड्रीम्स, टूटी फूटी ड्रीम्स हैं, वो अब इसको नींद भी करने नहीं देती, जो उसी गम में जो है 24/7 रहती है। यू हैव स्वर्न टू नेवर लेट हिम वेंटर, नेवर लेट हिम वेंटर आउट ऑफ साइट। तुमने कसम खाई थी, स्वर्ण का मीनिंग होती है कसम खाना, तुमने कसम खाई थी कि तुम उसको कभी भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दोगे, ठीक है, उसकी अपनी आंखों से उसे कभी भी ओझल नहीं करोगे अपने पति को, ठीक है। ये ख्वाब थे, अब तो ख्वाब ही रहे। यू होल्ड हिम कैप्टिव कैप्टिव इन योर शैटर्ड अनवेवरिंग वर्ल्ड एंड ही लाइक ए फ्लेम सीजलेसली फ्लिकर्स। देखिए अब कहती है कि तूने जो उसको है कैप्टिव की मीनिंग होती है होल्ड करना, किसी को पकड़ के रखना, ठीक है। शैटर्ड, शैटर्ड की मीनिंग होती है कोई आदमी टूटा हुआ हो, ठीक है, जिस तरह कोई लव में टूट जाना, मतलब इसके पति का जो है डेथ हुई है तो अब जो है आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर जो ज़्यादा जो लव होता है वो कपल्स के बीच में ही होता है, ठीक है। अब जो है शैटर्ड को होता है मतलब ये ब्रेक हो गई है, बिल्कुल टूट गई है। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है चेंज ना होना, ठीक है, बिल्कुल कंस्टेंट जैसे रहना। यू होल्ड हिम कैप्टिव इन योर शैटर्ड अनवेवरिंग वर्ल्ड एंड ही लाइक ए फ्लेम सीजलेसली फ्लिकर्स। कहती है कि वो तुम्हारे जे अंदर, तुम टूटी हुई जो हो, इस टूटे हुए जिस्म के अंदर तुम्हारा पति जो है, ये दुनिया जो तुम्हारे अंदर रुकी हुई है, इस दुनिया में वो जो है बसा है कंटिन्यू, ठीक है, वो जो है जल रहा है तुम्हारे अंदर, सुलग रहा है, ठीक, फ्लिकर्स कर रहा है, वो जल रहा है तुम्हारी इस दुनिया में, जो दुनिया तुम्हारी रुकी है, ठीक है। दैट मीन्स इस फीमेल जिसका पति मर गया है अब उसकी दुनिया रुक गई है और उसका पति जो है वो उसके दिल के अंदर जल रहा है, ऐसे जल रहा है उसके दिलो दिमाग में जिस तरह आग जलती है, ठीक है, फ्लिकर कर रहा है। सीजलेसली का मीनिंग होता है कभी ना रुकने वाला, कंटिन्यूसली, ठीक है। दैट मीन्स इसका पति जो है उसकी यादें जो हैं, उसके जो भी इनके जो भी ड्रीम्स वगैरह थे वो सारे के सारे इसके सीने के अंदर वो जल रहे हैं। सो यू आर आइज टू डांस, कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी आंखें जो हैं वो डांस कर रही हैं। डांस की मीन यहाँ पे मतलब है कि तुम्हारी आंखें जो हैं ये चीज़ें शो कर रही हैं, उनमें आंसू आ जाते हैं जब तुम ऐसी चीज़ों को सोचते हो। एंड यू आर मून ग्लो, एंड यू आर मून ग्लो इन हिज कॉस्टली प्रेजेंस मेक्स पोइट सिंग्स ऑफ हाउ वंस अपॉन अ टाइम ब्यूटी बास्क्ड इन द लाइट ऑफ हर अनडाइंग लव। एंड यू आर मून ग्लो, मून ग्लो की मीनिंग होती है मंगल सूरत, तुम्हारा जो मंगल सूत्र है, ठीक है, वो जो है इस वक्त ग्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी आत्मा, इसके पति की आत्मा में जो है तुम्हारे साथ तुम्हारा मंगलसूत्र है और वो ग्लो कर रहा है तुम्हारे जो पति की आत्मा है उसमें, तुम्हारा पति तो इस वक्त है नहीं, और जो जो ये जो ग्लो करना है, ये जो यादें है, ये जो उसका मंगलसूत्र है इस वक्त तुम्हारे पास है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो इससे पोइटस कहती है कि किस तरह एक बार जो है तुम्हारी जो ब्यूटी थी, ठीक है, वो बास्कट थी, तब बास्कट का मतलब होता है वार्म्थ, ठीक है, तुम्हारी जो ब्यूटी थी तब ऐसा प्यार था तुम्हारे बीच जो कभी ना मरने वाला लव था, कभी ना मरने वाला लव था, कभी ना मरने वाले लव की वजह से तुम्हारी ब्यूटी भी थी, उसकी भी वार्म्थ थी, तुम्हारी ब्यूटी की भी वार्म्थ थी,
इस तरह मैं इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ इन लाइंस की, कि जब ना मरने वाला, जब तुम्हारे बीच ना मरने वाला लव था, जब तुम्हारे बीच प्यार था, तो तुम्हारी ब्यूटी की वार्मथ थी, दैट मीन्स तुम्हारी ब्यूटी की चमक थी। ठीक है, अब इसका पति मर गया, ऑब्वियसली ये अब स्ट्रेस में है, अब इसकी ब्यूटी है तो वो भी डिम होगी, अब इसकी ब्यूटी जो है क्रम्बल्ड हो गई है, मतलब इसकी ब्यूटी जो है ख़त्म हो गई है, उसकी वो जो वार्मथ है अब उसमें वार्मथ वगैरह नहीं है। क्यों? अब सिर्फ इसके पास वो एक मंगलसूत्र है इसके पति का दिया हुआ, और जो है उसकी आत्मा भटक रही है इसके पति की, बाकी जो है ये स्ट्रेस में है। तो अब जितनी इसकी जो यूथ एज में जो ब्यूटी थी पहले, वो भी अब ख़त्म हो गई है, उसकी वार्मथ भी जो है अब ख़त्म हो गई है। तो यह था फ्रेंड्स इस पोएम के बारे में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं पे डाउट या क्योरी रहती है तो आप जी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल रहता है esabaq@yahoo.com, सॉरी esabaq@yahoo.com, हाँ जी है। और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं facebook.com/sahalofficial। अगर कोई भी क्योरी हो तो हम उसको जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको स्टडी करते वक्त कहीं पे भी जो प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर जो है आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैविंग नाइस टाइम अहेड।